नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके सवाल और हमारे जवाब के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कम्युनिटी पोस्ट में हमने आपको एक प्रश्न दिया था, जो प्रश्न इस प्रकार से था। तो इस प्रश्न का उत्तर काफी लोगों ने गलत दिया था और कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर इसको आप एक्सप्लेन कीजिए, अच्छी तरह से बताइए। और दोस्तों, यह प्रश्न थोड़ा सा घुमावदार है, यानी काफी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है और अक्सर पूछा जाता है। इस प्रश्न को देखते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताएंगे। पहले इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं। किन्हीं दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं, तो संख्या बताइए। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो शुरू की लाइन क्या है? किन्हीं दो अंकों की एक संख्या। दो अंकों की एक संख्या हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे 54, दो अंकों की एक संख्या हो गई। 54 दो अंकों की एक संख्या हो गई। इसमें 4 जो है वह इकाई के स्थान पर है, 5 दहाई के स्थान पर है। इसे हम दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं, 50 + 4 यानी 50 + 4 54 आ जाएगा। या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 × 10 + 4 तीनों बात इकाई है, ठीक है। आप 54 को ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। यहां पर देखिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा तोड़ दिया, विस्तारित रूप में किया। तो 50 + हमने 4 लिखा, उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा और तोड़ दिया, यानी चूंकि 5 जो है, 5 कहां पर है? दहाई के स्थान पर है, इसलिए हमने 5 में 10 का गुणा कर दिया। टेंस होता है, 4 क्या है? वंस, यहां पर टेंस। तो हमने क्या किया, 5 में 10 का गुणा किया। 10 का गुणा क्यों किया? क्योंकि 5 जो है दहाई के स्थान पर, इसलिए हमने 10 का गुणा करके 54 को हमने थोड़ा सा विस्तारित रूप में लिख दिया। 54 देखिए दो अंकों की एक संख्या है। अब प्रश्न में देखिए कि प्रश्न में क्या कह रहा है, किन्हीं दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। किन्हीं दो अंकों की, यानी हमको दोनों अंक पता नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। माना दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक y है। अब देखिए यहां पर दहाई का अंक क्या था? 5। तो 5 में हमने 10 का गुणा कर दिया। इकाई का अंक 4 था, तो प्लस करके हमने यहां पर 4 कर दिया। यहां पर हमारी एक संख्या बन गई। अब इसी रूप में हम इसको भी लिखेंगे, यानी दहाई का अंक इसमें क्या है? x है। तो हम x में 10 का गुणा कर देंगे। इकाई का अंक यहां पर 4 था, इकाई का अंक देखिए 4 था, तो प्लस का 4 हो गया। यहां पर इकाई का अंक y है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर प्लस का y कर देंगे। हमारी एक संख्या बनके तैयार हो गई। अब 10 में आप x का गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा प्लस y, तो हमारी एक संख्या बन गई। किन्हीं दो अंकों की एक संख्या, यानी दो अंकों की एक संख्या तो हमारे पास बन गई। संख्या के अंकों का योग, इसमें अंक कौन कौन से हैं? इस संख्या में अंक कौन कौन से हैं? दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, यानी इन दोनों का योग, इन अंकों का योग यानी x प्लस y का योग कितना है? 9 है। इसे हम पहला समीकरण मान ले रहे हैं। उसके बाद प्रश्न को देखते हैं। यदि संख्या में से 9 घटा दिया जाए, इसके बाद संख्या में से 9 घटा दिया जाए, हमारी संख्या कितनी है? 10x प्लस y प्लस y, इसमें से हम 9 को घटा देते हैं। संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं, अंकों के स्थान पलट जाते हैं। इसका मतलब कि x जो है y के स्थान पर हो जाता है, y जो है x के स्थान पर हो जाता है। कब? जब हम संख्या में से 9 घटा देते हैं तो x y के स्थान पर, y x के स्थान पर। तो यहां पर 10y प्लस x हो जाएगा। y को x के स्थान पर कर दिया, x को y के स्थान पर कर दिया, तो हमारा कितना हो गया? 10y प्लस x हो गया। अब हम यहां से दूसरा समीकरण ज्ञात करेंगे। अब इसको देखिए, इसको हम ब्रैकेट को हटाते हैं, 10x प्लस y माइनस का 9 बराबर 10y प्लस x। इन दोनों को इस पार भेजते हैं तो 10x प्लस y इधर आएगा, तो माइनस का 10y और ये माइनस का x बराबर, इधर माइनस 9 है और इस साइड जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। अब देखिए 10x में से हम x को घटा देते हैं, यानी x वाले पद को एक तरफ और y वाले पद को एक तरफ, प्लस का y माइनस का
दस वाई बराबर नौ हो जाएगा। दस एक्स में से एक्स को घटाएंगे तो नौ एक्स बचेगा। यहां पर देखिए वाई है और माइनस का दस वाई है, यानी इन दोनों को जब हल करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का नौ वाई। कैसे माइनस का नौ वाई आया, जिसका जो अंक बड़ा है उसका चिन्ह हम लगाते हैं, तो दस वाई में से हमने वाई को घटा लिया, चिन्ह देखिए किसका बड़ा है, दस का, तो हमने यहां पर माइनस का चिन्ह लगा दिया, बराबर कितना है, नौ है। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, इसमें भी नौ है, इसमें भी नौ है, इसमें से कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस का वाई हो जाएगा बराबर नौ। इस तरफ भी नौ, इस तरफ भी नौ, दोनों कट जाएगा, इधर कितना होगा एक, नौ कम नौ, एक बार में गया, तो यहां से हमारा कितना आ गया, एक्स माइनस वाई बराबर एक, हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। पहला समीकरण ऊपर था, दूसरा समीकरण यहां पर। अब दोनों समीकरणों को लेकर हम हल करेंगे, ठीक। तो आइए पहले समीकरण दोनों समीकरणों को एक साथ रखते हैं। तो पहला समीकरण कितना है, x प्लस वाई बराबर नौ और x माइनस वाई बराबर एक, दूसरा समीकरण। इन दोनों को हल करते हैं तो प्लस का वाई माइनस का वाई आपस में कट जाएंगे, ऊपर भी x नीचे भी x मिलकर 2x हो जाएगा बराबर नौ में एक जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। फिर यहां पर दो गुणा x है, इधर 10 है, तो इधर से जाएगा, जब दो इधर गुणे में है इधर जाएगा तो भागे में, यानी 10 बटा के 2 हो जाएगा, 2 पंजे 10, तो x का मान कितना हो गया 5, यानी हमको x का मान ज्ञात हो गया। अभी हमको y का मान ज्ञात करना है ना, है तो पहले समीकरण में या फिर दूसरे समीकरण में हम x का मान रख देंगे, ज्ञात हो जाएगा। तो पहले समीकरण में हम x का मान रखते हैं, पहला समीकरण कितना है, x प्लस वाई बराबर नौ, x का मान रख देंगे तो 5 प्लस वाई बराबर नौ हो जाएगा, y बराबर इधर प्लस का 5 है उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो 9 में से 5 को घटा देंगे, y बराबर हो जाएगा 4, 9 में से 5 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर y का मान भी ज्ञात हो गया हमको और x का मान पहले से हमको ज्ञात था। अब प्रश्न देखिए, तो संख्या बताएं, अंत में हमको संख्या ज्ञात करने की कौन सी संख्या होगी। हमने शुरू में कौन सी संख्या मानी थी, दहाई का अंक x माना था, इकाई का अंक y, तो x और y से मिलाकर एक संख्या 10x प्लस y हो गई थी, यानी हमको इसी संख्या में, इसी में हम x और y का मान रख दें तो हमको क्या ज्ञात हो जाएगी, संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 10x प्लस y, अब यहां पर x का मान और y का मान रख देते हैं, तो 10 गुणा x का मान 5 है प्लस y का मान कितना है, y का मान देखिए यहां पर 4 है, 4 रख देते हैं, 10 गुणा 5 में कर देंगे हो जाएगा 50 प्लस 4, इस प्रकार से 50 में 4 जोड़ देंगे हो जाएगा 54, तो आपकी यह संख्या ज्ञात होगी। संख्या कितनी है, 54 है, 54 है। तो आप प्रश्न को फिर से एक बार देख लीजिए और इसको खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, किन्हीं दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं, तो संख्या बताएं। ऑप्शन 45, 63, 36, 54, इसका सही उत्तर है 54, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही।